Hey guys, welcome back to another episode of our YouTube channel. This is your vlog from Ray. दोस्तों आज के व्लॉग में फिर से है राहुल सिंह मेरे साथ, ठीक है। तो आज हम आए हैं, भाई ने अपनी गाड़ी में ना, भाई क्या बताओ, उसने अपनी गाड़ी में बहुत कुछ करवा लिया है, ठीक है। तो मेरे चैनल पे भी वीडियोस है राहुल सिंह के, इसकी चैनल पे भी वीडियोस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। सो आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं बेसिकली किस चीज़ की बना रहा हूँ, पावर विंडो की बना रहा हूँ। पावर विंडो की अभी तक यूट्यूब में कोई वीडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं। जैसे आपकी गाड़ी में पूरा काम हुआ, सीट कवर लगा, उसमें पावर विंडो दिखा दिया, अच्छा पावर विंडो एक प्रॉपर वीडियो पावर विंडो नहीं है। तो ये भाई ने भाई गाड़ी, पहले आपकी गाड़ी में पावर विंडो नहीं थी, बिल्कुल स्टॉक से स्टॉक थी, मतलब वो हाथ वाली थी जैसे को। अब लेकिन अब भाई का क्लास आ गया बटन वाली, तो भाई ने पावर विंडो लगवा ली अपनी गाड़ी में। तो उस चीज़ को मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ, कितना टाइम लगता है, हमने कहाँ से लगवाया, इसमें जो आपको कंपनी से और इसमें क्या डिफरेंस मिलेगा, हाँ वो सारी चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा। हाँ, जब मतलब आप सोचते होंगे यार पावर विंडो लगवानी है, कंपनी आपका मार्केट लगाना ठीक है, अगर हमें किसी थर्ड पर्सन लोकल डीलर के पास, लोकल डीलर मतलब लोकल डीलर इन सेंस जो आपके घर के बगल में, लोकल डीलर ये नहीं कि भाई कोई लोकल वाला, लोकल डीलर और कंपनी से करवाते तो क्या डिफरेंस आपको प्राइस में रहता है और क्या मतलब जो रेंज रहती है ना, अगर लगवा रहे हो तो क्या आपको फर्क मिलेगा, फर्क मिलेगा प्राइस रेंज क्वालिटी वो सब चीज़ें आप इस वीडियो को देखने मिलेगा। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ पावर विंडो कैसे जो है काम कर रही है। भाई राहुल भाई चलो स्टार्ट करो, और बाकी अगर आपने ये बंपर वाला वीडियो नहीं देखा है तो भाई ये राहुल सिंह के चैनल पर आप जाके देख सकते हो, मैंने भी अपलोड कर दिया, मेरे में भी देख सकते हो, उससे भी देख सकते हो, कहीं भी देख लो जहाँ मजा आ रहा है। भाई ये पूरा सेटअप रहने वाला है, ओके ठीक है। ये सेटअप हम ये अलग से लगवाया है, ये पूरा अलग से लगा है, अगर पीछे भी देखोगे इधर okay. पीछे दिखाता हूँ आपके, ऑप्शन आता है आप टू भी लगा सकते हो, टू डोर और फोर डोर, ओके फोर डोर का, ओके okay. तुमने फोर डोर पे लगवाया, मेरे को बता था, मैंने कहा टू डोर लगाना मेरे को मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा यार, तो मजा आए वो तो ऑब्वियस बात है, आगे सुकून मिले चीज करवाओ, हाँ कोई नहीं की आज कर दो करवाए कल वापस मूड चेंज हो, हाँ तो भाई इसमें बेसिकली मतलब बैठो पहले तो बैठो आपकी गाड़ी या बैठो सर मालिक बैठो, हाँ तो अब बताओ हमें इसके बारे में। राई भाई ये चार पावर विंडो मिलती है इसमें, ठीक है। इसमें क्या मिलता है अगर आप यही कॉस्टिंग की पहले बात कर लेते हैं, कॉस्टिंग का, हाँ, कॉस्टिंग का बताओ, सोचते ही कॉस्टिंग लास्ट में बताते हैं, हाँ, आपको पहली बता, पहली कॉस्टिंग बता दो, अगर कॉस्टिंग एकदम प्रॉपर तो लास्ट में बताऊंगा वैसे, ओके बट अभी जो बताता, अगर आप कंपनी से कराते हो ओके तो आप 5 times ज्यादा पे करोगे, 5 times ज्यादा पे, अगर मैं मान लो कंपनी अगर बाहर आपको 2000 की मिले तो कंपनी में 10000 नहीं एटलीस्ट 6-7 की मिलेगी, अच्छा एक पावर विंडो की बात करो, ओके एक की, एक पावर विंडो जस्ट वो अपना क्या करेगी यहाँ पे, आप स्टिकर देख रहे हो, हाँ स्टिकर, ये स्टिकर हटाके वो अगर मान लो कि कोई भी गाड़ी है XYZ वो अपना लगा देगी, हुंडई होगी, मारुति होगी, मैं डीफेम नहीं कर रहा हूँ बस बता रहा हूँ, मतलब एक ब्रांड को नाम दे रहे हो तुम, कोई सा भी मतलब लगा देंगे, राइट मैं यहाँ फरारी का लोगो लगा दूँ तो फरारी के लोगों के हिसाब से बिकेगी, ब्रांड है तो ब्रांड कोई सा भी सामान हो सही है, आ रहा है वो यहीं से, ठीक है ठीक है। बेसिकली मैं बताना चाहूंगा जो निपॉन है मारुति के सेंट्रल लॉकिंग को बनाते ही बनाते, आपको पता है निपॉन का मार्केट को बनाता है, निपॉन जो है मारुति का पावर विंडो बनाता है, ये बात की बहुत कम लोगों को पता है, ये सिर्फ मारुति के लिए बनाता है, रिटेल में कोई सेल नहीं, रिटेल में कोई सेल नहीं करता, ओके। अगर यहाँ पे जो एमजीपी का लोगो देखोगे ना वो निपॉन ही बना रहा है, जिसकी एक पावर विंडो की कॉस्ट आती है 6-8 अराउंड, 6-8 के बीच एक पावर विंडो, एक पावर विंडो, और जो मैंने मतलब मान के चलो कि मैंने इसी के रेंज में अपनी चारों के इसी अप्रोक्स इसी के आसपास की वाली रेंज में सारे अपने चारों लगे, चारों ओहो इसी के अप्रोक्स में आसपास में। भाई ये बातचीत हमें भी बताओ हमारे व्यूअर्स को, मैं नेक्स्ट चीज की तरफ आना चाहूंगा, जैसे इसमें क्या फीचर आपको मिलता है, ऑटो विंडो आपका आपको फीचर मिलता है जो किसी कंपनी वाले भी नहीं देते, ओके ऑटो विंडो, ओके विंडो आप, ओके दिखाऊंगा मैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो राई भाई जैसे आप यहाँ पे थोड़ा पास लाके दिखाओगे ना तो यहाँ पे आपको हर टाइप इल्यूमिनेशन लाइट मिलेगी, हाँ देखिए 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 यस यस देखिए आपको पर्पल, अगर यहाँ पे चारों मिलेगी अपने को, अरे यहाँ पे चारों देखो थोड़ा दिखा आपको, हाँ आ रहा है दिख गया, ठीक है ना, हाँ। तो राय भाई नेक्स्ट चीज की तरफ हूँ, अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ से डाउन करी, इसमें ना जो मेरे को मोटर है कहीं ऐसे ही लगा कि आवाज़ ज्यादा कर रही है, नॉइज ज्यादा कर रही है, नॉइज भी नहीं है, इसमें देखो मेरे को ये ऑटो आपका मिलता है, ये मेरे को चारों विंडो मिलता है, ओके चारों विंडो में आपको ऑटो अब मिल रहा है, डाउन करी मैंने, ठीक है बटन छोड़ देना बिल्कुल, यस आपकी गाड़ी में जो कंपनी नहीं है, नहीं है एक है खाली, यहाँ से ड्राइवर साइड से मेरे को चारों ऑटो आपका ऑप्शन मिल जाता है, ओके उस साइड अगर मैं को ड्राइवर साइड बैठता उस साइड नहीं मिलता, तो हाँ ड्राइवर साइड से, ड्राइवर साइड से, हाँ ठीक है, ठीक है वो तो ठीक है, अगर मान लो ये देखो ये डाउन कर दी, ओके ये भी डाउन कर दी, ठीक है टेबल टेबल, हाँ जो ऑटो विंडो आपका फीचर बता रहा हूँ वो आप देखोगे, आप शीशे मैंने बंद कर दिया, कीज निकाल ली है, की निकाल ली आप देखो, ठीक है शीशे उतरे हुए हैं, ठीक है लॉक होगी, ठीक है ओहो ये आपकी कंपनी नहीं है, नहीं ये कंपनी वाले ये चीज कतई ना दे, अगर ये चीज कंपनी वाले देते तो इसके 70-80 हज़ार ले ले वो लोग, सही बता रहा हूँ राय भाई, इसकी जो हम इसमें ज्यादा कुछ बताने लायक नहीं है क्या, बट ये जो इसकी जो कॉस्टिंग आती है ना लोग क्या करते हैं, मैं बाहर बता रहा हूँ जो लोकल डीलर भी क्या करते हैं, ये जो ऑटो विंडो आपको आपको फीचर देते हैं ना ये RD वाले प्रोवाइड करते करते हैं, अच्छा बट कुछ लोग क्या करते हैं RD वाले प्रोवाइड करते हैं उसमें निकाल लेते हैं, अच्छा अच्छा ये रिले निकाल लेते हैं तो उसके आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं 1000-1500-2000, क्योंकि आपको आप बोल रहे हो ना कि विंडो में सस्ता कराओ कम कराओ तो आपको इसमें वसूल लेते हैं, अच्छा ये आपको मिलती ही मिलती है, मिलती मिलती है, और आपका जहाँ अगर आपके मान लो आप निपॉन की भी आपने सेंट्रल लॉकिंग करा रखी है मारुति से,
तो उसमें क्या होता है, कपलर आता है इसका, ओके, उसका जो ऑटो विंडो आपका कपलर है उसको आपने कंपनी वाले जो अगर आपकी एक्स वाई जेड कोई भी सेंट्रल लॉकिंग है, चाहे आर डी की है, चाहे ऑटो कॉप की, चाहे निपोन की, उससे आप प्लग करना है, प्लग करना है और आपको ऑटो विंडो, ऑटो विंडो। ओहो, रहे में क्या होता है, ये फीचर क्यों जरूरत है आज के टाइम पे, क्योंकि मान लो मैं विंडो ऑफ करके डाउन करके छोड़ गया, कोई भाई जैसे एकदम थका आ रहा है पीछे, होता है कई बार, होता है कई बार, होता है आपके साथ भी होगा, बहुत बार हुआ है मेरे साथ, डाउन कर जाती है और बाई चांस आज का पता भी नहीं क्या चोरी की गाड़ी होती है, कोई हार्ड वाले कुछ करे तो आपकी जैसी लॉक करना, गाड़ी लॉक करना कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, गाड़ी लॉक करिए, ऑटो विंडो, ये तुमने बोला ना कि मैं थका हुआ आता है विंडो खुल, ये मेरे साथ दसों बार हुआ है कि मैं विंडो अपनी खोली भूल जाता हूँ और अगले दिन मुझे पता नहीं भूलता, लॉक करना नहीं भूलता हूँ, राइट, ये सही बोला, लॉक करनी नहीं भूलता हूँ लेकिन विंडो खुली रह जाती है मेरे से, अगर आपको लॉक कर ये सारे फीचर मुझे तो क्या दिक्कत है, ये एक प्लस पॉइंट है। आगे आप बता रहे थे उस साइड पे चलती है, उस साइड मतलब ऐसा कहीं नहीं कि विंडो 19-20 का क्या फर्क है, मैं बताता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ 19-20 का आपको फर्क लगेगा ड्राइव, अगर आप कंपनी से भी कराते हो ना आफ्टर मार्केट, कंपनी से भी आफ्टर मार्केट अगर आप पावर विंडो डलवाते हो 19-20 का क्या फर्क रहेगा, कंपनी वाली जो पावर विंडो होती है वो 19-20 में कह रहा हूँ, जैसे पेंट अगर मैचिंग थोड़ा 19-20 का फर्क है वैसे 19-20 का फर्क आपको पावर विंडो मिलेगा, पावर विंडो मिलेगा, इतना अच्छा डिफरेंस ही मिलेगा, 19-20 मिलेगा आपको, तो इतना चलता है यार, जब इतना इतना बेस मॉडल ले लो एलेक्स से उसमें पावर विंडो करा लो, इतने सारे फीचर मिल जाए क्या दिक्कत है, सही बात है, सारे जो सबसे अच्छा मुझे उसका ये ऑटो अप लगा जो अभी तुमने दिखाया और जो बंद करके दिखाया भाई वो तो दिल ले गया, ये मेरी मैं आ सकता है क्या, बात करनी पड़ेगी आपको, चलो बात करो यार, तुम बात करो हमारे लिए भी, और बाकी सबसे अच्छा फीचर मुझे ये लगा जब हमने कीज निकाल ली उसके बाद शीशा आप हो, क्योंकि ये सच्ची बात है, कई बार मेरे साथ हो जाता है कि हम इसे लेट आते हैं कभी कभार घर आ गए हमको लगता है गाड़ी पार्किंग में लगाई चलो भाई हो गया शीशा हो गया होगा, हमने ध्यान ही नहीं देते, इतने इतने शीशे भी खुले रह जाते हैं, कई बार तो पूरा शीशा भी खुल जाता है, खुला राय भाई जैसे बारिश हुई, अरे भाई राय भाई जॉब वाले बंदे आप हो, थके आ रहे आते हो, लॉक करना आप 100% नहीं भूलते होगे, बट विंडो का आप भूलते हैं यार, कई बार तो पूरी शीशा खुला रह जाता है और लगता है कि जैसे शीशा बंद है लेकिन वो शीशा खुला हुआ है, रात में होता है सीन लगभग, तो आजकल कोई भरोसा नहीं, बट अगर आपको लॉक के सारे फीचर मिल रहे तो मेरे को कहीं लग, और आरडी मैंने क्यों चूज किया, रीजन क्या था, इसमें ऑटो कॉप भी आता है, बहुत सारे ब्रांड आते हैं जो अब चलते नहीं है, आरडी मतलब ट्रस्टवर्दी ब्रांड, क्योंकि मैंने सेंट लॉकिंग भी आरडी की कराई है, रीजन था कि ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, और ऑटो कॉप भी आती है, ऑटो कॉप मार्केट में आजकल इतना नहीं चल रहा है, आरडी बहुत है, आरडी है, आरडी का तो है, सो ओवरऑल यही था कि मतलब राहुल सिंह ने अपनी गाड़ी में जो है पावर विंडो करवाई तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया भाई ने, और भाई ने चिढ़ाया भी जिस तरह से वो ऊपर आई है भाई ने, बताओ तो बड़ी कॉस्ट की बात आती है भाई, कितनी की पड़ी मेरे को, ये मेरे को नियर अबाउट 10,000 ही पड़ गई थी, ओके नियर अबाउट 10,000 कंपनी में अगर ये कराने आए तो आप नियर अबाउट 30-40 पे करके आते चारों के, 30-40 पे करके आए, मैंने कहा था 5 times आप ज़्यादा पे करोगे, कंपनी वाले एक के 7-8,000 रुपये लेते हो, चलो ये चीज़ तो आपने बताई, लेकिन अगर हमारे व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं कि हमको भी करवाना है तो उनके लिए राय भाई ये कहीं भी ऑप्शन आपको हो सकता है, इसकी जो सेटिंग करता है कोई लोकल डीलर नहीं करता, इसके जो सेटिंग करने के लिए प्रॉपर आरडी का डीलर आता है, आरडी का डीलर नहीं सॉरी आरडी का जो होता है ना बंदा वही करके सेटिंग करता है, आरडी से बंदा आता है वही सेटिंग करता है, ऐसे नॉर्मल कोई नहीं कर सकता, अच्छा नॉर्मल कोई नहीं कर सकता, और इसमें जो मेरे को वारंटी कार्ड मिलता है 1 साल मिलता है, अगर मान लो मेरा एक मोटर खराब हो गई 1 साल के अंदर तो मेरे को किसी डीलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो बंदा मेरे घर आएगा प्रॉपर और करके जाएगा, चाहे मैं कहीं भी रहता हूँ एक्स वाई जेड स्टेट में, ओके ये चीज़ बहुत अच्छी है आरडी राय भाई। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मान लो कि मेरी मोटर तो मैंने आपको बता दी आरडी वाले घर पे सही करी जाएगा, अगर मान लो आपका वारंटी कार्ड खो गया, अच्छा ये कैसे होने, आपको आपको आरडी में कॉल करना है, आपको कहीं से भी नेट से नंबर मिल जाएगा, आजकल नंबर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मिल जाता है नंबर मिलती है, आपने कॉल करना है, मेरे पास ये गाड़ी है ऑल्टो गाड़ी है एक्स वाई जेड डिजायर गाड़ी है, मैंने ये मेरी गाड़ी का नंबर है, ओके अब वो वारंटी चेक करेगा नंबर से आपका देख लेगी, अच्छा ये गाड़ी में लग रखी है अभी 1 साल पूरे नहीं हुए, मेरे को चेंज कराना मिल जाएगा, वो आपकी हेल्प करने आ जाएंगे, हेल्प करने आ जाएगा ऑन द स्पॉट, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, होता ना गाड़ी की विंडो खराब हो इधर उधर भाग रहे भाग रहे भागना, घर पे आके आपको सेट करके आएगा, ओके ये सबसे अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, झंझट नहीं आपने, हाँ ये सबसे ये सही बोला, ये नहीं कि आपको डिले करेंगे, बोला है तो करके आएंगे, आरडी मैंने कहा ना ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, मैंने अपनी गाड़ी में लगा था, हाँ तो समझ के लाया, वो तो मुझे पता है तुम्हारी गाड़ी में तो क्वालिटी होगी और चीज भी अच्छी होगी, वो चीज़ उस चीज़ में कोई दोहरा ही नहीं है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, जो जैसे मोस्टली गाड़ी में तुमने देखा होगा कि पावर विंडोज जो आगे आगे होती पीछे नहीं होती, तो उसके रिगार्डिंग क्या रहेगा, लगभग राही भाई जो ये गाड़ी आती है ना, अगर आप हुंडई गाड़ी लेते हो ना, हुंडई की अगर बेस मॉडल एरा मॉडल लेते हो, उसमें क्या कंपनी देती है, दो की देती है, दो पावर विंडो देती है और दो पीछे नहीं देती, उसमें कॉस्टिंग आती है, कंपनी से कराने की नहीं बात कर रहा मैं, आफ्टर मार्केट कराने की बात कर रहा हूँ, नियर अबाउट मान के चलो आरडी की लगती है 5-6 मान के चलो, किसके अंडर लग जाती है, मतलब 5-6 के अंदर अंदर में आगे की नहीं पीछे की बात कर, पीछे की बात पावर विंडो दो, अच्छा ओके समझ गया, आप समझ गया, ठीक है फ्रंट में देते हैं, फ्रंट में देते हैं, बैक में नहीं देते हैं, तो वो इसी ओके। तो राय भाई अगर यही चीज़ आप कंपनी में कराने जाओ तो मैंने कहा ना 8-7-8 पे करोगे, एक के 7-8 पे करेंगे हम, एक
तो वही बात है राइक भाई, अगर आपको ज्यादा लगता है कि यहाँ पे मेरे को एक टैग चाहिए मारुति का, मैं खुश हो जाऊंगा उसको देख के, तो जाओ ठीक है। इसमें कोई मैं ये नहीं कह रहा मारुति वाले बेकार करते हैं, अच्छे करते हैं सब अच्छे, बट वो पैसे खर्च कर, बट हम एज ए व्यूअर हो गए, एज ए कस्टमर हो गए, हम भी यही चाहेंगे कि हम आपको जो सबसे बढ़िया सामान दिखाए और रीजनेबल प्राइस में दिखाए। ये नहीं कि अगर हम भी आपको जो है अगर मारुति की सर्विस सेंटर या शोरूम वाला प्राइस बता रहे हो तो हमारी वीडियो बनने में फायदा क्या है ना, सही बात है ना, बिल्कुल सही। सो ये तो बात हुई हमारी पीछे की विंडो लगवाने की, जैसे कंपनी में आगे वाली पावर विंडो आ रही है, पीछे नहीं आ रही है तो पीछे लगवाने की बात थी। अगर इसी तरह की किसी गाड़ी में, जैसे हमारी गाड़ी पहले नहीं थी ना, तो हमने पूरी लगवाई है, अगर आगे किसी को लगवानी हो खाली आगे ही आगे ड्राइवर वो भी लग जाएगी, कोई मैंने बताया ना 6,000 के अंडर लग जाएगी, ठीक है कंपनी में जाओगे तो आपको मैंने बता दिया, मैं बार बार नहीं बोलो कंपनी रिपीट कर, गालियाँ पड़ेगी। हाँ ये होता है यार, आप में से कई लोग होंगे जो बोलेंगे भाई कंपनी का, हम कंपनी का होता है बाहर का, हम बाहर का होता है, वही अपना अपना वो पर्सपेक्टिव होता है, हर चीज़ को लेकर अपना अपना वो है, अपना अपना व्यू है हर किसी का। बाकी हमारा ये है, अगर हम वीडियोस बनाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में जो चीज़ दिखाएं, ना कि 50,000 की चीज़ हम आपको यहाँ खड़े होकर दिखाएं कि भाई मेरे को इसको टेस्ट करके बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा था, एक हफ्ता हो चुका भाई ने यूज़ किया है, और सबसे अच्छा फीचर तुमने देख लिया है गाड़ी लॉक करके, जिसमें लॉक करके दिखाया भाई गई है सही बताऊँ। चलो ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। चलो ये आज के वीडियो से मैंने आपको दिखाया कि ऑल्टो में भाई ने जो पावर विंडो जो अपने इंस्टॉल करवाई है चारों, अगर वीडियो अगर यूजफुल लगाओ तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। राहुल भाई के चैनल का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, उसको भी कर लेना। और भाई एक चीज़ और, जाते जाते इतना वीडियो देख लिया है तो आगे भी जो है आगे इंस्टाग्राम की जो आईडीज जितनी फ्लैश हो रही है फॉलो कर लेना, राहुल भाई की भी आ रही है, मेरी भी आ रही है, फॉलो करो, वहाँ पे आपको जो है हमारे ब्लॉग्स की लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएगी। और प्लस अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर ज़्यादा डिटेल पूछना है तो आप वहाँ इनबॉक्स कर लो, यहाँ पे ये होता है कि इतना ट्रैफिक आता है कभी कभार तो वो संभलता नहीं है, तो इनबॉक्स में ये होता है कि हम वहाँ पे टाइम निकाल के आपको रिप्लाई कर पाते हैं इजीली, हाँ वो तसल्ली से काम होता है वहाँ पे। चलो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चल कर डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले ब्लॉग्स में।